हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे घटना चक्र की जो संक्षिप्तियां जो होती हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो भी फैक्ट के रूप में जो भी निकलते हैं आपको पता होगा उसी में से निकलते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण चीजें देखने की कोशिश करेंगे हम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये जो पोर्शन है, एक तरह से ये जो करंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए पीसीएस के लिए आने वाले लगभग 3 से 4 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो यूपीएससी के हों या लगभग एसएससी में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपके लिए ये काम आएंगे। और ये जो करंट है आपका, जो ये जो करंट है आपका, ये जो है सितंबर अक्टूबर का करंट है, और कुछ दिनों में दो दो या दो वीडियो बनाएंगे शायद इसके, वो मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद में नवंबर दिसंबर की आ जाएगी मैगजीन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जो जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ से। तो सबसे पहले उर्जित पटेल के बारे में, ये पता होगा आपको, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर बन चुके हैं ये इस समय, तो आपको ध्यान में रखना है ये 24वें गवर्नर हैं। और जो है कार्यकाल जो होता है रिजर्व बैंक के जो गवर्नर का, वो 3 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और उर्जित पटेल जो है उप गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बाकी के जो भी हैं इन्हें आप पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वही चीज़ें बताऊंगा जो एक तरह से पीसीएस पे ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा, जो और लोग हैं वो देखना चाहें तो देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो अभी फिलहाल इसमें से तो एक ही करंट में बनेगा तो उसी उन्हीं पर बनेगा। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, कुमारबाई जो है इन्हें देख लेते हैं, ये स्वच्छ भारत अभियान की जो प्रतीक चुनी गई हैं एक तरह से, शुभंकर 105 वर्ष की हैं ये, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कुंवरबाई के बारे में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं कभी कभार। ये नवतेज सरना, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये अमेरिका में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं इस वजह से। और जिम यांग किम के बारे में आप जानते होंगे, ये विश्व बैंक समूह के जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, और इन्हें क्या किया गया, फिर से पुनर्नियुक्त किया गया है। तो जो इनका कार्यकाल रहेगा, और ये ध्यान में रहे इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है विश्व बैंक के अध्यक्ष का, तो ये भी ध्यान में रखना है। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी, ये जो कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका हैं, यानी अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ जाए कि सुब्बुलक्ष्मी कौन है, तो आपको जवाब देना है कर्नाटक संगीत की ये प्रसिद्ध गायिका हैं। और इन पर जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन पर डाक टिकट जारी किया गया है, और इनकी क्या मानता है, इनको भारत रत्न 1998 में दिया गया था, तो ये इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लिए। ये मंजू चेल्लूर, इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है, बॉम्बे हाईकोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं, और ये बॉम्बे हाईकोर्ट की नियुक्त होने वाली दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो ये भी इस वजह से हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि एक तो महिला है, और महिलाओं से जुड़ के जो भी एक तरह से जो महान विभूतियां होती हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी अगर हाल फिलहाल में ही अगर कोई एग्जाम है लगभग 25 से 30 दिन के अंदर, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐश्वर्या R. धनुष, ये पीसीएस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे हालांकि, लेकिन फिर भी जान लेते हैं इनके बारे में। सुप्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत की जो है पुत्री हैं, तो ये एक तरह से लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु इन्हें जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो अपने पक्ष समर्थक के तौर पर नियुक्त किया गया है। भारत में ये लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हेतु जागरूकता का अभियान चलाएंगे अब ये, तो ये ध्यान में रखना है आपका। ऐश्वर्या R. धनुष, ये धनुष है ना, वो एक हीरो है, तो उन्हीं की ये पत्नी भी है, देखी होगी मूवी भी आपने उनकी। एक अरुण गोयल है, ये अरुण गोयल नाम आप याद कर लेने से, ये वस्तु एवं सेवा कर परिषद में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो ये अभी की घटना है, हाल फिलहाल में अगर कोई एग्जाम होता है आपका तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। एक ये आपने दिमाग में रख लें, नजमा हेपतुल्ला जो है मणिपुर की राज्यपाल नियुक्त की गई हैं, आ सकता है ये अभी हाल फिलहाल में, जो भी 1 महीने के अंदर एग्जाम होगा उसके लिए। देखिए विद्या बालन जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है, इनको समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है, तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हाल फिलहाल में अगर कोई एग्जाम होता है, चाहे वो UP SSSC का क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे करंट आ जाते हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा पढ़ सकते हैं पॉज करके, मैं इसके बारे में बताने नहीं जा रहा हूँ, नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी होगा। थोड़ा सा माजुली द्वीप के बारे में जान लेते हैं, माजुली द्वीप आपको पता होगा
ये अभी क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, आपको पता हो, ब्रह्मपुत्र नदी पर, नदी के मध्य में स्थित है ये। लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है ये, और ये असम राज्य में है, ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। तो बस इसके बारे में बस इतना ही, और मतलब मायूरी महत्वपूर्ण है ये, कभी भी आ सकता है इससे बन के क्वेश्चन एक तरह से। और ये श्रीलंका आपको पता ही होगा, WHO ने जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है ये, और ये मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला ये दूसरा देश बन गया है। इससे पहले जो है कौन सा देश था, तो उसके लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में जो मालदीव, आपको पता होगा भारत के निचले हिस्से में जो है, तो ये मालदीव भी प्रथम पहले ही घोषित हो चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका जो इस साल जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा 7 से लेकर 9 जनवरी तक, वो आपका होगा बेंगलुरु में, कर्नाटक में बेंगलुरु में होगा, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो थीम होगी वो होगी प्रवासी भारतीय संबंधों के नए आयाम, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इसकी थीम क्या है, क्योंकि PCS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है पूरा ही ये क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाजी अली जो दरगाह है वो कहाँ पर है, तो आपको बस इतना थोड़ा सा डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ये मुंबई में स्थित है। देखिए लियोन, लियोन शहर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रांस के लियोन शहर में क्या है, विश्व की प्रथम चालक रहित बस का शुभारंभ किया गया है इस वजह से। और ये मैं बताता हूँ आपको कि ये आपके लिए IAS के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया ना, चालक रहित तो बस शुरू की गई है, तो एक तरह से अपने आप में ये एक तरह से क्रांतिकारी चीज़ है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही के लिए एक तरह से। एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हिंगोली, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये नाम हिंगोली जिला है, तो ये क्यों फेमस रहा है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान के लिए जो लीगो थी ना, तो उसकी जो प्रयोगशाला जो स्थापित महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में की जाएगी, यानी चुना गया है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लीगो की जो है स्थापना महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में होगी। तो बाई चांस ऐसे भी आ सकता है ये लीगो की स्थापना कौन से राज्य में होगी, ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से, तो महाराष्ट्र आपको याद में रखना है, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, IAS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये अमेरिका से बाहर एक तरह से प्रथम लीगो प्रयोगशाला होगी ये, क्योंकि इसकी असली जो प्रयोगशाला है पहली वो अमेरिका में ही है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, चरखी दादरी, तो ये क्यों फेमस हुआ है, ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, इसको 22वां जिला घोषित किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ये भी है कि IIT गुवाहाटी में जो है परम ईशान, ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है परम ईशान, और ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसका शुभारंभ किया गया, और ये क्या है पूर्वोत्तर और पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों का ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये आपको ध्यान में रखना है परम ईशान। इसकी जो क्षमता होगी वो 250 टेरा फ्लॉप्स होगी, और स्टोरेज क्षमता होगी वो है 300 टेराबाइट, तो ये भी थोड़ा सा बस जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा ये भी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि आजकल CDS NDA में क्या करते हैं ये लोग स्टेटमेंट बना देते हैं, तो उसके लिए भी ये लाभकारी हो सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तो एक तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें एक तरह से पढ़ना जरूरी हो जाता है, इस वजह से मैंने ये ले लिया है, और आपका आने वाले समय में PCS के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा PCS के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाल ही फिलहाल में लगभग 1 महीने के अंदर जो भी एग्जाम होने वाले हैं अभी आज से, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या है, अपराधियों की DNA प्रोफाइलिंग हेतु DNA निर्देशिका प्रणाली शुरू करने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है ये आंध्र प्रदेश, तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा। और आपको ये तो पता होगा DNA में कौन कौन सी चीज आ सकती हैं, देखिए यहाँ तक कि लार भी आ सकती है, लाल लार और रक्त के धब्बे, रक्त का तो पता ही है लेकिन लार भी इसमें आ सकती है, तो ये थोड़ा सा फैक्ट है, इन्होंने दिया है ब्लैक करके भी दे दिया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर निकल के आ रहा है, गुजरात जो है 70% विद्युतीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोवा, केरल दे सकते हैं ऐसे करके, तो आपको याद में रखना है ये गोवा और सॉरी ये गुजरात हुआ है। देखिए एक काम,
हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स, जो कि हमने स्टार्ट किया है घटना चक्र का सितंबर अक्टूबर की मैगजीन से। तो हमने एक पार्ट देख लिया था छोटा सा, आज से हम थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। और ये लगभग, ये मान के चलिए कि जब तक लगभग एग्जाम होने के चांसेस उसी जो डेट दी गई है 17 मार्च है जहाँ तक है, तो जहाँ तक है अभी तो उम्मीद यही है लगभग जनवरी लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से हम स्टार्ट कर देते हैं, करंट को कम से कम कवर करते चलते हैं, और बाकी जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई थी उसे आप फॉलो करते रहिए। घटना चक्र की जो भी 8-10 किताबें हैं उनको ले आइए बुक स्टॉल से, और उनको अच्छे से एक तरह से पढ़ डालिए, आपका ज़रूर होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज सितंबर अक्टूबर की मैगजीन से। कामुथी, ये एक तरह से, एक सेकेंड, ये जगह है आपकी तमिलनाडु में। यहाँ पर क्या है, सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन राष्ट्र को समर्पित किया गया है, और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, और इसकी जो क्षमता है वो आपकी 648 मेगावाट है। जनमत संग्रह में थाईलैंड की जनता द्वारा सैन्य समर्थित नए संविधान को मंजूरी दे दी गई है। तो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ पर नए संविधान को मंजूरी दी है सैन्य समर्पित, तो आप जवाब देंगे थाईलैंड। हालांकि ये अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक साल का तो हमें लगभग देखना ही देखना है। और जब भी हम लास्ट में जब प्रवेश करेंगे, लास्ट के एक महीना रह जाएगा, तो उसमें हम महत्वपूर्ण चीज़ों की एक तरह से कोशिश करेंगे बिल्कुल सटीकता पर पहुँचने की। तो अभी फिलहाल तो डिटेल में ही देख लेते हैं। देखिए देहरादून में जो है, और देहरादून में आपको एक फैक्ट बता दूं, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है देहरादून में, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर टाइवर सेल के अंतर्गत बाघों पर देश के पहले कोष का शुभारंभ किया गया है। यानी पहले कोष का कहाँ पर शुभारंभ किया है, तो आप जवाब देंगे देहरादून में। देखिए एक फैक्ट ये है, अगस्त का है लेकिन जान लेना थोड़ा सा ज़रूरी है, और जो एक महीने के अंदर जो भी और एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल में है, कि जहांगीरपुर में मेगा फूड पार्क का जो है उद्घाटन किया है। तो मेगा फूड पार्क आपको पता होगा, ये बहुत बड़े एक तरह से खाद्य संसाधन के रूप में एक तरह से बनाए जाते हैं ये पार्क, एक तरह से जहाँ पर क्या होता है स्टोर करा जाता है, यानी किसानों से खरीद के जो है संसाधन स्टोर कर दिया जाता है। इसके बारे में आइए, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। देखिए पौंडिचेरी संबंधित एक जो है महत्वपूर्ण खबर है, सब इंस्पेक्टर पदों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया। हालांकि है अगस्त की, लेकिन अभी अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि आपको कहां पर 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया सब इंस्पेक्टर पोस्ट में, तो ये आ सकता है बिल्कुल। ये गुजरात की एक उजाला स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है तो अगस्त का, ये 30 अगस्त का, लेकिन फिर भी देख लेना जरूरी है। इसके तहत उजाला स्कीम एक तरह से ये मान चलिए लेड से, लेड के जो बल्ब होते हैं लेड LED, तो उनसे संबंधित एक देश का पहला राज्य बन गया है वितरण करने वाला 2 करोड़। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उजाला स्कीम किससे संबंधित है, लेड बल्बों से, गुजरात की। प्रथम पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट थोड़े से बता दे रहा हूँ आपको। ये IUCN पीपल चॉइस हेरिटेज हीरो जो एक तरह से ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपका विभूति लहकर को दिया गया है, विभूति लहकर। IUCN के बारे में आपको पता होगा, ये पर्यावरण से रिलेटिव एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने कुछ कार्य किए होंगे उसके लिए ये दिया गया है। ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान के लिए इन्हें दिया गया है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा असम में है। ये कृषि नेतृत्व पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये थोड़ा सा, ये नोवा कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन है, ये ध्यान में रखना है आपको, 8 सितंबर को हुआ है ये। और प्रमुख विजेता जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार जो मिला है वो मिला है उड़ीसा को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है उड़ीसा वाला, बाकी तो वैसे ही, चाहे तो पॉज करके आप इसे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, हालांकि आने के चांसेस कभी भी आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। इसे बता देता हूँ थोड़ा सा, स्टुअर्ट ब्लैकबर्न को उनके द्वारा लिखित उपन्यास इन टू द हिडन वैली के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, बेनेट पुरस्कार 2016। तमिल रत्न पुरस्कार जो है सुब्रमण्यम स्वामी को दिया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है। ये मूर्ति देवी पुरस्कार देख लेते हैं 29वां, ये जो मिला है प्रोफेसर
कलकलुरी इनोच को मिला है। इनका उपन्यास जो था अनंत जीवनम, तो ये अभी 29 सितंबर को मिला है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यही याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। एक बार फिर से मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को एक तरह से रिवीजन कर लेते हैं, सबको पता होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो 4 लोगों को मिला था, आपको पता है पीवी सिंधु बैडमिंटन के लिए, दीपा कर्माकर आपका जिम्नास्टिक के लिए, साक्षी मलिक कुश्ती के लिए, और जीतू राय निशानेबाजी के लिए। थोड़ा सा रिवीजन करना जरूरी था, आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किनको मिलता है, खिलाड़ियों को मिलता है प्रशिक्षकों को, तो ये प्रशिक्षकों को मिलता है, वैसे भी द्रोणाचार्य गुरु हैं तो गुरु को ही मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा योजना परियोजनाओं को देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण है। ये एक बीजू कन्या रत्न योजना है, ये क्या है, नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं द्वारा ये चलाई गई है, तो इसका उद्देश्य जो है लिंगानुपात और बाल अनुपात सुधार करना है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश ने राज्य युवा नीति 2016 जो है घोषित करी है, तो इसके बारे में थोड़े से तथ्य हम देख लेते हैं। देखिए पहले जो युवा नीति थी उसमें जो परिभाषित युवा वर्ग की जो आयु थी वो थी 15 से 29, लेकिन अभी क्या है इसको 14 से 35 वर्ष कर दिया है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हो सकता है स्टेटमेंट बन के पीसीएस में बना दें ये, क्योंकि थोड़ा पीसीएस में भी अब एक तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं, एक तरह से अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो उसमें आ सकता है ये। उत्तर प्रदेश से संबंधित समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है जो मुख्यमंत्री ने एक तरह से लॉन्च करी है, ये बीमा योजना इसका उद्देश्य जो है किसानों और कमजोर वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके जो लाभ प्राप्तकर्ता होंगे वो होंगे 18 से 70 वर्ष, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और ये लाभ कौन प्राप्त करेगा, जिनकी 75,000 रुपये वार्षिक आय होगी, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और ये है कि इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, 5 लाख रुपये अगर दुर्घटना हो जाती है व्यक्ति से तो 5 लाख रुपये उसे मिल जाएंगे, और इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा के लिए जो है 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, तो ये थोड़ी सी तथ्य याद रखने हैं आपको थोड़े से, और ये ध्यान रहे इसके लिए आपको कुछ भरना नहीं है पैसा वैसा कुछ भी, ये आपको बिल्कुल ही निःशुल्क होगी, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाए गए हैं। देखिए ये एक परियोजना है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, तो इसके बारे में एक छोटा सा तथ्य आप याद रखें, ये भारत की जो है अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, ये पहली है, ऐसी पहली है जो अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना है, तो ये थोड़ा सा तथ्य आपको याद में रखना है, ये किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट करके भी आ सकता है। और इसके बारे में थोड़ा सा एक तथ्य है, एक टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर स्थापित होगा, ये पन्ना बाग जो है MP में, तो वो भी इसके अंदर ही एक तरह से आ जाएगा। देखिए एक ये योजना है सार्वजनिक कोष प्रबंधन प्रणाली, तो ये जो है इस प्रणाली को लागू करने वाला झारखंड देश का प्रथम राज्य है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी होगा इम्पोर्टेंट। अब देख लेते हैं ऑपरेशन और अभियान जो भी है इम्पोर्टेंट उनके बारे में। युद्धाभ्यास 2016 ये अभियान का नाम है, और ये किन दो देशों के मध्य लड़ा गया है, एक तरह से भारत और अमेरिका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक ये है प्रबल दोस्त की 16, ये लड़ा गया है आपका भारत और कजाकिस्तान की थल सेनाओं के मध्य में, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक है संयुक्त आपदा राहत अभ्यास प्रकंपना 2016, तो ये जो है विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और ये तो आपको पता ही होगा 70 साल आज़ादी याद करो कुर्बानी जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया, मध्य प्रदेश से मोदी जी ने लॉन्च किया था यहाँ से। और यह कार्यक्रम क्यों किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किया गया था, तो एक तरह से स्टेटमेंट बन के भी आ सकता है, या IAS में भी आ सकता है एक तरह से, ये मान के चलिए कि ये जो याद करो कुर्बानी है इसके बारे में सही है, ये मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया, या भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल, या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम देखेंगे, और धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर की घटना चक्र, और इसमें हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, जिसमें हम आगे देखेंगे आयोग और समितियां। तो ये पीसीएस, एमपीपीसीएस और आपके बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से थोड़ा सा देख लें, लगभग क्वेश्चन आपके करंट के कहीं नहीं जाएंगे। और इसके बाद समाप्त करने के बाद, इसके बाद नई जो है आ चुकी है नवंबर दिसंबर की घटना चक्र, फिर उसको हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, सुब्रमण्यम समिति जो थी, ये जो है दाल उत्पादन बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो शीर्षक है, जो दाल उत्पादन बढ़ाने संबंधी रिपोर्ट है, इसका शीर्षक है न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संबंधित नीतियों द्वारा दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। देखिए, इसकी जो सिफारिश हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगभग इतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो इस वजह से हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। देखिए, अभी कैशलेस का मामला चल रहा है, इस वजह से इस समिति को देख लेते हैं। रतन पी वटल समिति, ये क्या है, नगद लेन देन को हतोत्साहित करने तथा डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देने हेतु इस समिति का जो है चयन किया गया था, यानी गठन किया गया था। ये 11 सदस्यीय समिति है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि रतन पी बटल समिति जो है कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए जो है गठित करी गई थी। तो समितियों वगैरह में तो इतना ही क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं सम्मेलन और समारोह जो भी हुए हैं महत्वपूर्ण। तो ब्रिक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन जो है हुआ था आपका मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो आपको पता है ऐतिहासिक शहर है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना है। ये ब्रिक्स सम्मेलन नहीं है, ये ध्यान रखना, ब्रिक्स पर्यटन सम्मेलन है, तो ऐसे करके आ सकता है ये। देखिए, ये पहला सम्मेलन हुआ है एलपीजी पर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और पहला है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में संपन्न हुआ है ये। देखिए, ये IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2016 जो है आयोजित हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। ये क्या हुआ है, हवाई द्वीप, जो हवाई द्वीप है अमेरिका का, वहाँ संपन्न हुआ है ये, और यह प्रथम अवसर है जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसकी मेजबानी करी गई, यानी पहली बार इसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा करी गई। ये आपका IAS के लिए भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है, और IAS के लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्य विषय इसका क्या था, दोराहे पर खड़ा ग्रह, यानी दोराहे पर खड़ा ग्रह है इसका मुख्य विषय है, तो ये थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, IUCN के बारे में, पर्यावरण से रिलेटिव है इस वजह से। प्रथम ब्रिक्स जो है फिल्म महोत्सव के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये क्या है, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, बस इतना महत्वपूर्ण है इसके लिए, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। देखिए, इसे भी देख लेते हैं, जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक 2016 जो है आयोजित हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित हुआ है ये, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ही एक तरह से आयोजित हुआ है, तो ये जीरो घाटी में एक तरह से आयोजित हुआ है, इस वजह से इसका नाम है जीरो फेस्टिवल। तो जीरो घाटी के बारे में मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, या आपके लिए एक तरह से होमवर्क मान लीजिए, जीरो घाटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप क्या है। देखिए, सार्क के आंतरिक या गृह मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अगस्त में हुई थी, थोड़ा सा रिवीजन करना थोड़ा सा ज़रूरी था, और इसमें जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह गए थे, जो एक महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, UP SSSC के जो एग्जाम होते रहते हैं हमेशा, तो उसमें भी इसे ये आ सकता है अभी। देखिए, महिलाओं से रिलेटिव है ये सम्मेलन, ब्रिक्स महिला सांसदों के मंच की बैठक जो हुई है जयपुर राजस्थान में हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, अभी हाल फिलहाल में एक महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें आ सकता है ये। अब थोड़ा सा देख लेते हैं संधि और समझौते जो हुए हैं उनसे रिलेटिव क्वेश्चन। देखिए, अधिमान व्यापार समझौता का जो एक तरह से हस्ताक्षर हुए हैं वो हुए हैं भारत और चिली के मध्य, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि PTA के जो हस्ताक्षर हुए हैं दोनों कौन दो देशों के मध्य हुए हैं, तो ये भारत और चिली हैं। अभी हाल ही की घटना है ये, यानी कि सितंबर की है, 6 सितंबर की, इस वजह से ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अमेरिका भारत के मध्य जो समझौता हुआ है वो आपका हुआ है सैन्य साजो सामान संबंधी आदान प्रदान समझौता, यानी जिसे LAMWA नाम दिया गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसे आप बिल्कुल दिमाग में रख लें। ये शायद RO में भी आया था, शायद हाँ RO में आया था ये,
इसे आप ध्यान में रखना है, ये पीसीएस में भी आ सकता है और कोई भी हाल फिलहाल में एक महीने के अंदर जो भी एग्जाम होंगे उसमें भी आ सकता है ये, और ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देख लेते हैं संघ और संगठन जो भी हैं करंट में उनको देख लेते हैं। देखिए उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी का गठन करने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एक ऐसी एजेंसी बन रही है जो उच्च शिक्षा के वित्त पोषण का कार्य करेगी, और ये इसके बारे में एक फैक्ट है कि इस एजेंसी का गठन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सरकार के स्वामित्व वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी यानी NBFC के अंतर्गत एक विशेष उद्देश्य इकाई के रूप में होगी, ये ध्यान में रखना है आपको। अब थोड़ा सा वर्ष दिवस जो है देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इसका जो मुख्य विषय रहा है इस बार महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, पढ़ो भविष्य बनाओ, केवल यही था इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। देखिए अर्थ ओवरशूट डे जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। यह वह अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है। इस सीमा के बाद उपभोग उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है, इसलिए अर्थ ओवर सूट जो डे होता है जो पारिस्थितिक ऋण दिवस भी कहा जाता है इसे, तो ये भी ध्यान में रखना है। IAS के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है ये, कि ऐसे करके स्टेटमेंट करके कुछ भी आ सकता है इससे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आपको पता ही होगा 16 सितंबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में MPPCS BPSC UPPSC ज़्यादातर यही रख देते हैं हर बार। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर को, थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। जब विश्व बाघ दिवस आ सकता है तो विश्व गेंडा दिवस भी आ सकता है, तो ये है आपका 22 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को। देखिए परमाणु जो है, परमाणु से रिलेटेड भी चर्चाएं चलती रहती हैं हमेशा, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा दिवस देख लेते हैं। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सितंबर अक्टूबर के महीने में जो भी बुक वगैरह फेमस रही हैं तो उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, जो भी महत्वपूर्ण होंगी। मन्नू अ बॉय फ्रॉम कश्मीर, ये लिखा है मलिक सजाद ने। द एसासिनेशन ऑफ राजीव गांधी एन इनसाइड जॉब, अहमद फराज ने लिखा है ये। अ बुक ऑफ लाइट, व्हेन अ लव्ड वन हैज अ डिफरेंट माइंड, ये लिखा है जेरी पिंटो ने। तो ये थोड़े से महत्वपूर्ण है इस वजह से दे दिया मैंने यहाँ पर, बाकी का आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं जो भी हैं, मैं आपको केवल थोड़ा सा वही बता रहा हूँ जो एक तरह से आने के ज़्यादा चांसेज हैं। देखिए एक बुक ये है सिलेक्शन डे, तो ये सिलेक्शन डे जो लिखी है अरविंद अधिगा ने लिखी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, हिटलर असेंट 1889 और 1939, तो ये लिखी है वोल्कर उलरिच ने, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, हिटलर से जुड़ी हुई है ये, हिटलर के जन्म से मृत्यु तक की शायद इसमें कुछ घटनाएं घटित तो हुई होंगी, तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है ये। ये बुक भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, द बुक ऑफ जॉय लॉस्टिंग हैप्पीनेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड, तो ये जो धर्मगुरु हैं ये, तो उन्होंने लिखी हुई है, मुझे लग रहा है ये तीनों का नाम दे रहा है तो तीनों ने मिल के लिखी हुई है, दलाई लामा जी और डेसमंड टूटू और डगलस कार्ल्टन अब्राम्स, तो ये तीनों लोगों ने लिखी है। एक ये बुक है एनकाउंटर विद पॉलिटिक्स, वासिंद्र मिश्र, तो आप बाकी पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो भी चीज़ें होंगी। आपको एक न्यूज पता होगी, भारत जो है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 से मुक्त घोषित कर दिया गया है, और जो अभी हाल ही में जो पक्षियों में पाया गया था वो एक्चुअल में H5N8 करके वायरस था, ना कि ये वाला वायरस, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। पर्यावरण भवन का नाम जो परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दोस्तों इस सीरीज में इतना ही, अब आगे हम देखेंगे नवंबर दिसंबर की घटना चक्र से जुड़ी हुई समसामयिकी, तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें,
और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर ठीक लगे तो।